हेलो एवरीवन, 25 जुलाई को आप सबका हैप्पी गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं छत पे आई हूँ बहुत दिनों के बाद, और यहाँ पर जब बहुत तेज़ बारिश हुई, 3 दिनों की बहुत तेज़ बारिश हुई 8, 9, 10 को, तब मेरा एक जो ग्रो बैग है वो इस तरह से, जो मैंने स्टैंड बनाया हुआ था, एक अरेंजमेंट बनाया हुआ था, उस पर ये गिर गया नीचे की तरफ को, सेंटर से गिर गया। जो मैंने अरेंजमेंट बनाया था वो टूट गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस पर लगातार बारिश पड़ती रही, इसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया, और उस वजह से जो मैंने स्लैब इसके नीचे रखी थी, टाइल रखी थी एक, तो वो टूट गई। तो आज मैं इसी को ही थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ। एकमात्र यही कारण नहीं है कि ये जो टाइल रखी थी वो टूट गई है, इसके और भी कई सारी वजहें थी जिसकी वजह से मैं इस ग्रो बैग को चेंज करना ही चाहती थी, इसकी मिट्टी को उलट पलट करना ही चाहती थी। और फिर मैं इसमें लगाने के लिए हल्दी लाई हूँ। मुझे पता हल्दी लगाने के लिए मैं लेट हूँ, अप्रैल में ही जून में हल्दी लग जानी चाहिए, पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे हल्दी पड़ी हुई थी जिसमें काफ़ी सारी ग्रोथ हो रही थी, तो इसको रखना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैं इसको ले आई कि इसको मैं इस ग्रो बैग में लगा दूँगी। इसको लगाने का भी एक कारण है, सभी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँगी। वैसे मेरा मेन मोटिव जो है इस ग्रो बैग को उलट पुलट करने का ये था कि इसमें पानी नहीं ठहरता था। पानी क्यों नहीं ठहरता था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इस ग्रो बैग में ना बहुत सारे प्लांट्स मुझे मिले हैं, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से प्लांट्स मुझे यहाँ पर मिले हैं। काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है, तो इसमें तो चाहिए था कि मुझे मैं बहुत सारे इसमें प्लांट्स लगाती, तो इसको निकालना बहुत ईजी रहा। ग्रो बैग की साइड साइड से बिल्कुल मिट्टी नहीं चिपकी हुई थी। आप इसको देखो, नीचे से अगर मिट्टी देखेंगे तो ये पूरी जड़ों से भरी हुई है, नीचे तक जड़ें इसमें भर गई है। वैसे तो मुझे थोड़ा दुख लग रहा था कि इसमें बहुत बड़े बड़े कॉस्मोस के प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो सबसे पहले मेरे पास ये बीटल आया है स्टोन का, जो बच्चों ने बनाया था। और कॉस्मोस के जो प्लांट्स हैं इनको निकालना मेरे लिए बहुत थोड़ा दुख देने वाला था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, इनको मैं रिपोर्ट भी नहीं कर सकती कहीं पर। अभी मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो ये जड़ें नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्लावरिंग कर रहे हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे हो गए, 2-3 फीट के हो गए हुए हैं। तो इसमें मुझे रेन लिली के काफ़ी सारे प्लांट्स मिले, कॉस्मोस आपको नज़र आ ही रहा है। कॉस्मोस के जो प्लांट है इसकी जड़ें काफ़ी फैली हुई हैं, और मिट्टी आप देखो कितनी भुरभुरी है, कितनी अच्छी है, एकदम झड़ रही है। एक सूखा हुआ रेड एमरेंथ है, मैंने ये भी रख लिया। पॉर्चुलाका का प्लांट है, तो रेन लिली भी बीच बीच में मिलते रहेंगे, और एक ड्राइड अप गेंदा का प्लांट है। ये सारे प्लांट्स तो मुझे मिले ही, लेकिन मैं इस पॉट में एक प्लांट भी ढूंढ रही थी, मुझे एक प्लांट के बल्ब चाहिए थे, तो वो मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो देखने के लिए आपको अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा इस वीडियो में। अब ये रेन लिली देखो कितने सारे निकल रहे हैं, और साइड साइड में ना इसके स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। 2 साल पहले मैंने इसी पॉट में लगाई थी, और पिछले साल और उससे पिछले साल भी इसमें काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरीज लगी, तो कुछ प्लांट्स तो उसके ख़राब हो गए, कुछ ठीक हैं। तो इनको निकालना भी मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर इस पॉट में एक्चुअली मिट्टी इतनी ज़्यादा रूट बाउंड हो गई है कि उसमें पानी ठहर ही नहीं रहा था। तो ये सबसे मेजर कारण था कि मैं इसको रिपॉट करना चाहती थी, इसकी मिट्टी को निकाल के फिर मैं इसको दोबारा से भरना चाहती थी और दोबारा से ही लगाना चाहती थी। ये बोलिवियन ज्यू का गुच्छा है, पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं इसमें। इस वजह से भी काफ़ी हद तक इसमें रूट बाउंड भी हो गया था, ये ज़्यादा मेजर कारण था रूट बाउंड होने का हमारा कॉस्मोस। कॉस्मोस के बड़े बड़े प्लांट हैं ऊंचे ऊंचे, और वो बहुत ज़्यादा जड़ें फैलाते हैं, और जब जड़ें फैल जाती हैं तो पूरे गमले में सिर्फ जड़ें ही जड़ें रह जाती हैं। तो जो मैं प्लांट ढूंढ रही थी वो ये वाला है जो मेरे हाथ में आप नीचे लटका हुआ एक धागा सा देख रहे हैं हरे रंग का, तो ये बल्ब है ग्लैड का, ग्लैडियोलस का बल्ब है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे इसको ढूंढने के लिए, और मुझे लगा कि इस कॉस्मोस की जड़ों में कहीं ना फंस गया हो ये ग्लैड का बल्ब, तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से झाड़ा, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और मैंने अंत तक पूरी ट्राई की, फिर मैं आपको दिखाऊंगी एंड में कि मुझे कितने ग्लैड के बल्ब्स मिले। हालांकि बहुत छोटे छोटे बल्ब्स हैं, मैंने बड़े बल्ब लगाए थे तो बड़ों को मैंने रिपॉट कर दिया था दूसरे गमले में, पर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होकर छोटे छोटे बल्ब थे वो मैं ढूंढ रही थी कि उनको मैं अभी लगाऊंगी तो सर्दियों तक जो है वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, उनको खाद पानी डाला जाएगा तो बड़े हो जाएंगे, तो वो जनवरी के आसपास खिलना शुरू होते हैं।
तो मैं होप कर रही थी कि अभी इनको ढूंढ के लगाऊंगी तो ये जनवरी में अच्छी खासी फ्लारिंग करेंगे। एक तो वाइट कलर का था, दूसरे में हाल फिलहाल अभी तक कोई फ्लारिंग नहीं हुई थी, तो मैं उन्हीं को अलग करने के लिए मैंने बड़ी मशक्क़त की। मैंने 15-20 मिनट जो है इस मिट्टी को पूरी अच्छी तरह से अपने हाथों से महसूस करने की कोशिश की कि यहाँ पे इसमें बल्ब तो नहीं है, तो बहुत कम ही बल्ब मुझे मिले ग्लैड के। हाँ, रेन लिली मिला, रेन लिली के काफ़ी सारे बल्ब थे जो मुझे नज़र भी नहीं आ रहे थे कई जगह पे, तो वो भी मिले, काफ़ी हेल्दी वाले बल्ब भी थे। और स्ट्रॉबेरी मिली, स्ट्रॉबेरी को बचा पाई मैं, ये भी अच्छी बात थी। तो गमलों को रिपॉट करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है, लगातार एक ही गमले में प्लांट को बार बार लगाते रहने से, इस तरह से चाहे आप अलग प्लांट ही लगाएं, बीच से ज़्यादातर हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कॉस्मोस जो है बीच से लगता है, रेन लिली भी बीच से लगता है, जो येलो वाला है वो हर जगह ग्रो हो जाता है, येलो रेन लिली। स्ट्रॉबेरी के मैंने प्लांट्स लगाए थे, पर स्ट्रॉबेरी में भी खास बात ये होती है उससे रनर्स निकलते हैं और वो रनर्स आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो भी रूट बाउंड करते हैं फिर हमारी मिट्टी को। तो इस तरह से अगर मिट्टी को निकाल के हम उसमें थोड़ी सी मैन्योर ऐड करके दोबारा से लगाएं तो यही मिट्टी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो एक तो ये कारण था कि मिट्टी जो है रूट बाउंड होगी हुई थी और पानी नहीं ठहरा था इस ग्रो बैग में, साइड साइड से निकल जाता था। फिर इस वजह से एक और प्रॉब्लम भी आ रही थी ना कि बहुत सारी चींटियाँ जो है घर बना लेती हैं फिर ऐसी मिट्टी में, क्योंकि उनके अंडे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन हमारी छत खराब हो जाती है। तो ये कारण भी था कि मुझे इस ग्रो बैग को पलटाना पड़ा, हालांकि इसमें मुझे चींटियाँ जो है नज़र नहीं आई। फिर मैं इसमें लगाने के लिए हल्दी लाई हूँ, हल्दी जो है एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है चींटियों को भगाने की। तो ये भी एक ग्लैड का बल्ब है, बहुत मेहनत के बाद एक ये बल्ब मिला मुझे, उसके बाद भी मैंने जारी रखी अपनी खोज। तो अब मैं बात कर रही थी चींटियों की, तो हल्दी इसमें लगाऊंगी तो हल्दी से चींटियाँ नहीं आएंगी, एस्पेशली इस ग्रो बैग में। चींटियाँ ग्रो बैग में अंडे देती हैं, उसके बाद छत में घर बनाती हैं, छेद करती हैं जगह जगह पे और छत को ख़राब करती हैं। तो चींटियों का विशेष ध्यान रखें, अगर कोई ग्रो बैग सूखा रह जाता है इस तरह, पानी नहीं होता उसमें, तो ज़रूर उसको रिपोर्ट करें। एक और ग्लैड का बल्ब मिला मुझे, उसके बाद भी मैंने काफ़ी कोशिश की, तो थोड़े से ग्लैड के बल्ब से मुझे संतुष्ट होना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने गिवअप कर दिया और मैंने सोचा कि अगर कुछ ग्लैड के बल्ब्स इसी में रह जाएंगे, मिट्टी में रह जाएंगे, तो हो सकता है वो निकल भी आएँ, क्योंकि ग्लैड के बल्ब जो हैं वो मिट्टी में लगे रहेंगे तो वो ख़राब नहीं होते, वो सालों साल उसी तरह से चलते रहते हैं, पानी भी डलता रहेगा तो भी ख़राब नहीं होते। तो मैंने इस तरह से हल्दी जो है, हल्दी की गांठें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखी हैं। इस पूरे ग्रो बैग में सिर्फ हल्दी ही लगाऊंगी और साथ में इसमें मैं जो मैंने रेड एमरेंथ का प्लांट रखा है ना सूखा हुआ, उसमें एक्चुअली बीज थे, तो वो बीज भी यहाँ पे बिखरा दूंगी। तो बस वो अबव ग्राउंड रहेगी रेड एमरेंथ और बिलो ग्राउंड जो है हमारी हल्दी की जो गांठें हैं वो फैलती रहेंगी। मैं इसको पूरा नहीं भर रही हूँ इस गमले को, थोड़ा थोड़ा मिट्टी से इसको कवर कर रही हूँ अभी, और ऊपर की जगह मैंने काफ़ी हद तक खाली रख दी है, हाथ हाथ भर की जगह खाली है, उसमें मैं बाद में मैन्योर डालूंगी ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है इसको मिलते रहें। तो आज मुझे इस पूरी कार्रवाई में क्या क्या मिला है, एक तो ये रेन लिली के काफ़ी सारे बल्ब्स हैं, हेल्दी हैं, बड़े अच्छे हैं, सुंदर हैं, और 5 ये ग्लैड के बल्ब्स मिले हैं, छोटे छोटे हैं, इनको अभी सेपरेट करके लगाऊंगी तो ये बड़े अच्छे से ग्रो हो जाएंगे सर्दियों तक। और यहाँ पे मैं आपको सीड्स दिखा देती हूँ, रेड एमरेंथ में आपको ब्लैक कलर के सीड्स नज़र आएंगे, तो ये सारे सीड्स मैं उसी ग्रो बैग में बिखरा दूंगी। इसके अलावा मुझे पॉर्चुला का मिला है, एक मुझे छोटा सा DIY बीटल मिला है, और इसके साथ स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारी स्ट्रॉबेरी जिसमें बहुत सारे रनर्स बन रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये भी ग्रो हो जाएंगे, ये भी सर्दियों में ही स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। और बोलिवियन ज्यू काफ़ी सारा आपने देखा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।